ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कुछ दिन पहले वो पश्चिम बंगाल के औचक दौरे पर पहुंचे और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में सियासत गरमाने लगी। ओवैसी बेहद गुपचुप तरीके से अचानक कोलकाता पहुंचे और सीधे हुगली जिले के श्रीरामपुर में मुसलमानों के पवित्र जियारत स्थल फुरफुरा शरीफ गए। वहां जियारत के बाद उन्होंने पीरजादा अब्बास सिद्दकी के साथ बैठक की और अगले विधानसभा चुनाव में उनके साथ मैदान में उतरने का ऐलान किया। ओवैसी के इस ऐलान ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पश्चिम बंगाल में करीब 30% अल्पसंख्यक TMC का सबसे मजबूत वोट बैंक रहे हैं। अब ओवैसी के मैदान में उतरने से इस वोट बैंक में सेंध का खतरा पैदा हो गया है। हालांकि TMC ने ओवैसी को खास अहमियत देने से इनकार करते हुए ओवैसी की पार्टी को BJP की बी टीम करार दिया है, लेकिन राजनीतिक हलके में सवाल उठने लगा है कि क्या ओवैसी ममता के खेल में खलल डालेंगे। ओवैसी की सिद्दकी से मुलाकात के बाद बंगाल में कयासों का दौर तेज हो गया है। वैसे तो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही ओवैसी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया था, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही AIMIM के पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष अनवर पाशा को अपने खेमे में खींचकर TMC ने ओवैसी को करारा झटका दिया था। हुगली जिले में स्थित फुरफुरा शरीफ अल्पसंख्यकों का पवित्र जियारत स्थल है। फुरफुरा में वर्ष 1375 में मुखलिस खान ने एक मस्जिद का निर्माण कराया था। वह अब बंगाली मुसलमानों की आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है। चुनावों के मौके पर इसकी अहमियत काफी बढ़ जाती है। वाम दलों से लेकर TMC और कांग्रेस तक तमाम पार्टियों के नेता आशीर्वाद लेने फुरफुरा शरीफ पहुंचते हैं। बंगाल के अल्पसंख्यक मुख्य रूप से दो धार्मिक संस्थाओं का अनुसरण करते हैं। इनमें से देवबंदी आदर्शों पर चलने वाले जमीयत उलेमाए हिंद के अलावा फुरफुरा शरीफ शामिल है। ममता अपने ठोस अल्पसंख्यक वोट बैंक के समर्थन से लगभग 10 साल से सत्ता में है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल की कुल आबादी में 27.1% मुसलमान हैं। अब यह आंकड़ा 30% के करीब पहुंच गया है। बांग्लादेश सीमा से लगे राज्य के जिलों में मुस्लिमों की आबादी बहुतायत में है। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में तो इस तबके के लोगों की आबादी कुल आबादी की आधी या उससे ज्यादा है। इसके अलावा दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिलों में भी इनका खासा असर है। विधानसभा की 294 सीटों में से 100 से 110 सीटों पर इसी तबके के वोट निर्णायक होते हैं। साल 2006 तक राज्य के मुस्लिम वोट बैंक पर वाम मोर्चे का कब्जा था, लेकिन उसके बाद इस तबके के वोटर धीरे धीरे ममता की तृणमूल कांग्रेस की ओर आकर्षित हुए और साल 2011 और 2016 में इसी वोट बैंक की बदौलत ममता सत्ता में बनी रही। लेकिन BJP की ओर से मिलती मजबूत चुनौती के बीच अब ओवैसी के यहां चुनावी राजनीति में उतरने की वजह से ममता बनर्जी सरकार के लिए नया सिरदर्द पैदा होने का अंदेशा है। फुरफुरा शरीफ में अब्बासी के साथ बैठक के बाद ओवैसी ने कहा कि TMC अध्यक्ष ममता बनर्जी को मेरे संगठन पर आरोप लगाने की जगह आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से बीते लोकसभा चुनावों में BJP ने यहां 18 सीटें जीत ली। ओवैसी ने TMC और ममता के इन आरोपों को भी निराधार बताया कि उनकी पार्टी BJP की बी टीम है और BJP के विरोधी राजनीतिक दलों के वोट बैंक में सेंध लगाएगी। वहीं दूसरी तरफ अब्बास सिद्दकी, जो कुछ समय पहले तक ममता बनर्जी के कट्टर समर्थक थे, लेकिन बीते कुछ महीनों से उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब्बास सिद्दकी इसी महीने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि ओवैसी यहां जियारत के लिए आए थे, लेकिन राजनीतिक मसलों पर भी चर्चा हुई। उन्होंने हमें सामने रखकर बंगाल चुनाव में उतरने का फैसला किया है। बंगाल की लगभग 100 सीटों पर फुरफुरा शरीफ दरगाह का प्रभाव माना जाता है। दूसरी ओर TMC ने ओवैसी के दौरे या उनके बंगाल चुनाव में उतरने के ऐलान को अपने लिए कोई चुनौती मानने से इनकार किया है। शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम कहते हैं कि बंगाल में सत्ता पाने के लिए 147 सीटों की जरूरत है, लेकिन ओवैसी के पास इतने उम्मीदवार ही नहीं हैं। उनकी पार्टी BJP की राह आसान बनाने के लिए ही राजनीति में उतर रही है।
टीएमसी सांसद सौगत राय कहते हैं कि ओवैसी के आने से बंगाल की राजनीति पर कोई असर नहीं होगा। यहां उर्दू भाषी मुसलमानों की तादाद बहुत कम है। लोग ओवैसी की असलियत समझ गए हैं कि वे बीजेपी के लिए दूसरे दलों के वोट काटने का काम करते हैं। कुछ दिन पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के साथ फुरफुरा शरीफ का दौरा करने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता अब्दुल मन्नान कहते हैं कि बंगाल के मुसलमान इतने मूर्ख नहीं हैं। अगर यहां धर्म के आधार पर राजनीति कामयाब होती तो मुस्लिम लीग का वजूद खत्म नहीं होता। वहीं बीजेपी का कहना है कि ओवैसी का दौरा और चुनाव लड़ने का उनका ऐलान टीएमसी के लिए तो चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन बीजेपी के लिए नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष कहते हैं कि मुसलमानों को अपनी जागीर समझने वाले और अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोगों को ओवैसी से खतरा महसूस हो रहा है। वो कहते हैं कि ओवैसी और बीजेपी के रास्ते अलग अलग हैं, हमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। बीते साल लोकसभा चुनाव के नतीजे इसका सबसे बड़ा सबूत हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षक समीर कुमार सेन कहते हैं कि ओवैसी के बंगाल की राजनीति में उतरने का क्या असर होगा, यह तो फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन उनके दौरे और चुनाव लड़ने के ऐलान ने टीएमसी के माथे पर चिंता की लकीरें तो गहरी कर ही दी हैं।